అసలు టిప్స్ లేరా? मैं दोबारा से बता दूँ, पहले भी मैंने उसे बताया था, अवैध, सनी, हीरा, बिलाल, कासिम जो है वो अटेंड नहीं कर सके थे, मेनली ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। कह रहे हो कि कटिया कमेंट्री कर रहे हैं। ओके, ब्लाइंड पिक होने जा रहा है। भाई जी फुल लागतबाजी वाला फाइनल हो रहा है। अच्छा सलमान जो है वो पी वन पे आ गया। पी पी वन पे कौन है? हाँ तो कौन पे जो है माई गॉड, द ब्लाइंड पिक नाज़रीन हो चुकी है। यू वॉन्ट बिलीव, ग्रैंड फाइनल जो होने वाला है वो एलाइजा वर्सेस लेरॉय। आतिफ बट लेरॉय खेलेंगे और अरसलान ऐश एलाइजा। ली रॉय ए तोबा तोबा तोबा, बहुत मनहूस लग रहे हैं ना। तो क्या मतलब, पहला टोकन फिक्स होता है, बाकी तो चेंज कर सकते हैं। चंगे इंटरनेशनल प्लेयर हो तुम। आपकी वर्ड कहता है भाई जी, नो बडी कैन विन फ्रॉम मी, कुछ और ना समझियो। वो तेज हो रहे हो। ली रॉय वर्सेस एलाइजा। और सलमान जो है वो अब सीरियस हो रहे हैं थोड़े थोड़े से, ज़्यादा नहीं। हाँ भाई, ये जीने को नहीं रखता इसके आगे, बहुत बजाता है। अच्छा ना सुनिए, हर दफा कैसे यार मेरे हाथ काम जाने जमीन आगे। खुद भी तो खेलता है। गुड हो गया, गुड हो गया। ये क्या सारी बॉल? ओके You're done. Great. यही तो फायदा है ब्लाइंड पिक का। लड़ोए के आगे उसने क्या पिक करना था? जूलिया तो कभी भी नहीं, जूलिया लड़ोए के आगे कोई काम नहीं। जूलिया का जो उसका टीका है ना 12 फ्रेम का, वो बेचारी सांस भी लेती है तो उसको टीका लग जाता है। बैक 1+2
Arslan. What the hell? Oh my god. This just fucks up Eliza entirely. सब कुछ ही बंद करी जा रहा है वो डबल फॉर 4-2 जो मेन शॉट है एलाइजा की हाँ और वो ये भी नहीं कि सिंपल पैरी पैरी करके पंच काट दे वो पैरी करके लॉन्च पूरा जोर लगाते हुए ओह माय गॉड सारी पावर उसको लड़ोई को रोकने के लिए सिर्फ उसको उसके बाद डाउन वन तो है होल साइड में बस क्या है डाउन वन पे ऑर्बिटल पड़ेगा बिल्कुल स्टिल अ रीमैच वाओ नहीं ये $1.5 की नहीं देती की चक्कर सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रिएट काउंस चैनल यूट्यूब चैनल फॉलो हिम ऑन ट्विटर you can follow me on Twitter for latest updates on tournaments and stuff my hashtag is @AJTaken you can follow me on Twitter and don't forget to donate your donation will be you know prize money for the next tournament inshallah we are expecting a team tournament next 3v3 So chip in all you want. Perfect. Very nice going by Arslan. Fight. Oh my god. What reflexive. God, क्या खा गया आज ये वाकई स्पेशल लग रहा है कुछ स्पेशल खाया है आज मटन तो नहीं खा लिया किसी नहीं किसी वन स्टार होटल से मटन खा लिया हो उसके बाद दलुतियाँ मारने लगा तब से अपवर्ड फोर मार रहा Thank you.
Okay, what is Aslan going to pick now? Please, Julia. Yes, yes, yes. Julia ko maar padte hue dekho. Yes. मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं कभी ना जूलिया को लेरोय के खिलाफ जीतते हुए देखूं। कैसे जीतते हैं मैं देखना चाहता हूँ। ये ले बेचारी सांस भी लेती है तो उसको बैक 1+2 पड़ जाता है, 1-1, 1+2 पड़ जाता है। कितने जाए बेचारी। कुछ भी नहीं था। व्हाट अ वॉल। बहुत बहुत बुरी चॉइस थी जूलिया। हाँ कुछ तो होना चाहिए। इसका बैक 1+2 15 फ्रेम का होना चाहिए। ब्लॉक पे लॉन्च होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए यार। लरोई होना ही नहीं चाहिए। यहाँ जब कोई जूलिया रखे ना तो लरोई गायब हो जाए। ठीक है फिनिश बाकी बहुत आना है। Never misses a big punish. To the wall. I'm mixed up करेगी बेचारी। Sorry बाबा। यार no यार। नहीं पढ़ रहा। Thank you for donating $5, Steve Bosso. Very much appreciated, bro. Oh my god, yes, yes, finally. Another down power 2-1 maro. बहुत खुश हो रहे होंगे हैं। हॉरेन को खेलता देख के जीतता देख के।
Oh my god, that block. Round two. Fight. इवन आतिफ बट जो है ना बैक ऑन प्लस टू बिल्कुल भी नहीं यूज कर रहा भाई, उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग है जूलियन के खिलाफ, उसकी जरूरत नहीं पड़नी। मैं तो कराऊंगा लेकिन जो ये बैक थ्री यूज कर रहा है ना, बहुत कमाल यूज कर रहा है। ओह माय गॉड, इट इज द मैच पॉइंट फॉर द टूर्नामेंट पॉइंट। I think Atif Bhatt is our champion, Nazreen. जोरदार तालियां Atif Bhatt के लिए। Finally, finally कोई 10-15 साल बाद Atif Bhatt एक टूर्नामेंट जीते हैं। बहुत बहुत मुबारक। Okay, so thank you all for tuning in today. Much appreciated, all the viewers who joined us today. We'll meet you next time, then in the next tournament. आप कुछ कहना चाहेंगे आवाम को? कैमरा इधर कर। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन। आतिफ भट्ट इधर बैठे। की मतलब हर दफा जान के आना, जान के आना, जान के नहीं। मैं कहता यार दिल्ली करता हर दफा, मैं सोचा है कि यार आई वुड दैट से खेलेंगे सीरियस। क्या वजह क्या है वही तो हम पूछ रहे हैं कि इस दफा इतना सीरियस क्यों खेले। पहला करैक्टर जो है ना मेरा कुछ जिंच नहीं था, तो मैं सोचा है कि हम जरा ना कुछ करैक्टर ऐसे खेल लेंगे जो अगले प्लेयर का करैक्टर देख के खेलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि तो टेक्निक इस तरह की है कि बस वो करैक्टर ले लोगे अगला प्लेयर भी वो आपने उसके इलाइजा के खिलाफ क्या किया है? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अकुमा किधर है? मुश्किल हो गया मतलब परफेक्ट एग्जीक्यूशन है तो हुकूमत चला सकते हो आप, नहीं तो नहीं चला सकते। जैसे कि अवैध हनी वो मिस नहीं करता। बिल्कुल, अगर आप हुकूमत के साथ और करेक्टर्स खेलेंगे तो आपकी एग्जीक्यूशन खराब हो जाएगी, आपकी कैंसलिंग मिस होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
गुड हो गया, गुड हो गया, गुड बाकी बिल्कुल बिल्कुल इतना मजा आया कि बस यार असलान को एक्सपीरियंस थोड़ा लेना सी यार यार असलान असलान इधर आओ यार असलान आप भी आए प्लीज छोटी प्राइस दे बेचना सही नहीं खेल लगा उदो आती भी नहीं हुंदा उदो ओथे इधर जोर भी नहीं हुंदा कोई भी हुंदा जाहिर है उसने तो अभी प्रैक्टिस ही करनी थी जूलिया की जॉन दी चाहिए यार वो तो ज़हन चाहिए ना कि मैं जूलिया ना बहुत ज्यादा मारूंगा लेकिन बस यार टूर्नामेंट है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है देखें वो जॉन के साथ क्या हुआ जा रहे हैं कुछ भी हो सकता है चलें जी बहुत शुक्रिया आपका सबका हमारे साथ शुगर लगाने का हमें टाइम देने का मेनियक्स का टूर्नामेंट है तो उधर इंशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा और प्लेयर होगा वहाँ पे आपको लाजमी वहाँ पे मतलब कि जो आज आज मिस थे वो भी होंगे वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे भी तो याद रखिएगा नेक्स्ट संडे बल्कि सैटरडे को भी होगा एल सी क्यू सैटरडे और संडे दोनों दिन होगा तो डोंट फॉरगेट इंशाल्लाह या तो मे भी बिलाल चैट में है वो भी अपना टूर्नामेंट तब तक कोई जेन बना लेगा या मिल के दिन डिसाइड कर लेंगे पहले उसने कराना है या मैंने तो हम नेक्स्ट टूर्नामेंट भी उसी के अनाउंस कर देंगे जैसे आज किया ठीक हो चलेंगे बहुत शुक्रिया आपका सबका दोबारा से अरसलान इज लुकिंग ग्लम ही डोंट वांट टू चैट अंडरस्टैंडेबल नो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम अरसलान ने जूलिया से ही टूर्नामेंट जीतना है लिखवा लो मेरे से बस ठीक है ठीक है फिर बाय बाय थैंक्स टू हुमायूं खालिद एंड साइको हेड फॉर पावर्ड बाय दिस टूर्नामेंट ओके